अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद नूर में आप सभी का खैर मकदम है। आज यहाँ पर तमाम मुतवलियान की जानिब से मंजुमन हॉल में व बोर्ड की जानिब से यहाँ पर हमारे पास रियासती व बोर्ड चेयरमैन अनवर पाशा यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने तमाम जमातों की, दरगाहों की, मस्जिदों की वगैरह तमाम, सर एक सवाल तमाम बातों से हट कर मैं पूछूँगा, जिस तरह से 2024 में मोदी गवर्नमेंट औकाफ के जो कानून है उन्हें ही रद्द करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी आगे पहुंच चुकी है और हो सकता है, जैसे कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कई सारे कानून बदले भी जा रहे हैं, कैंसिल भी किए जा रहे हैं, अगर औकाफ के अगर वो अपने कब्जे में ले लेते हैं तो रियासती सतह पर तुम्हारे पास क्या है प्लानिंग? इंशाल्लाह हमारे रियासत के, कर्नाटक के जिम्मेदार बहुत सारे हैं। हमारे कल भी जबर साहब और हमारे मिनिस्टर जमीर साहब उन्होंने इसके बारे में बात भी की है। असम्बली के बाद बेंगलुरु में एक पूरे सीनियर्स एडवोकेट्स को, सीनियर काउंसिल मुस्लिम्स के एडवोकेट्स को बुलाकर उसके बारे में उस दिन लीगल ओपिनियन लेने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। पहले जब असम्बली के बाद बेंगलुरु में लीगल ओपिनियन के लिए एक मीटिंग फिक्स होकर है, फिक्स होने के बाद उस दिन मीटिंग में जो जो लीगल ओपिनियन, मैं ये कह रहा हूँ अगर इस तरह के कानून कोई बनते हैं तो कोई मंसूबा, कोई प्लानिंग, कोई रोड मैप रियासती हुकूमत के पास, आप लोगों के पास उस दिन तय करेगा वो पूरे मुस्लिम्स लीडर, हमारे मिनिस्टर्स, जितने मुस्लिम्स एमएलए हैं, एमएलसी हैं, एमपी हैं, एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, पूरे भी असेंबली के बाद बेंगलोर में जमा हो रहे हैं। उस दिन जो डिसीजन होता उस दिन हमें तय करते, इसलिए वो मैं अकेला वो सब्जेक्ट के लिए बात करने का नहीं अच्छा रहता, सीनियर्स हैं। मेरा ये कहना था सर, जैसा अभी रियासत हमें है, 4 साल और हुकूमत है, कभी भी बाजी पलटी जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है सर, न सिर्फ ईवीएम बल्कि आजकल एमएलए भी खरीदे जाते हैं, हुकूमतें गिराई जाती हैं, बनाई जाती हैं, इस तरह का माहौल तो देखने मिलता है। अगर इस तरह के मामला आने से पहले क्यों ना वक्फ की जितनी भी ज़मीन है कई सारे इदारों को, कई सारी मुस्लिम कमेटियों को क्यों नहीं तकसीम? मैं बहुत सारे सब्जेक्ट उस दिन डिस्कस कर रहे हैं, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ हमें उस दिन पूरे स्टेट के माइनॉरिटी लीडर्स और लीगल ओपिनियन लेने सीनियर काउंसिल मुस्लिम्स लॉयर्स भी उधर आ रहे हैं, उस दिन पूरे भी हर चीज़ भी उस दिन डिस्कस होता है, फाइनल ओपिनियन। इससे पहले भी कभी आपने इस पर कभी तवज्जो फरमाई इस तरफ, क्योंकि ये तो मसला बहुत दिनों से है, सेंटर में मोदी हुकूमत है, 2024 में फिर से आ सके? देखिए उतना मोदी साहब बोले हैं ना, उतना ईजी नहीं है वो सेंट्रल एक्ट निकालने के लिए, वो तो कुछ भी कर सकते, हमें कुछ भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ना उम्मीद है हमारा वफ्ड एक्ट क्या भी उन्होंने नहीं कर सकते, क्योंकि हम ना कोर्ट के ऊपर उम्मीद ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट है, हम ना कोर्ट के ऊपर उम्मीद भी है और मोदी साहब के लिए भी उनके ऊपर भी उम्मीद है, कौन सा भी एक्ट, संविधान हमारा वफ्ड एक्ट निकालने का एक ही, संविधान को भी निकालने का एक ही, वही रहता है। वैसे भी तो संविधान बदला ही जा रहा है, तो सर कितना ऑब्जेक्शन किया जा रहा है? अभी उस दिन हमारे सीनियर लीगल ओपिनियन क्या देते हैं देखो, उनके साथ बात करके बाद नेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर।